25 मई गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है जो कि बहुत ही शुभ योग है और इस दिन और भी कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। रविवासन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, तो इस दिन कोई कार्य किया जाता है तो बहुत ही उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आप आपके घर में कोई विवाह शादी में कोई अड़चन आ रही है, मनचाहे रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही या कोई रिश्ता नहीं आ रहा है और विवाह में देरी हो रही है बेटे बेटियों के, तो इस दिन आप उपाय कर सकती हैं। अगर आपको कुछ घर बनवाना है, नए ग्रह में प्रवेश करना है या और भी आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आपको किसी से मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं, आप ये कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो बात कर रही हूँ बेटे बेटियों के विवाह में जिनके देरियाँ हो रही है, तो आप एक छोटी सी दो चीज़ें बताऊंगी जो आप खरीद सकते हैं, वो खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। जैसे पीली चने की दाल होती है तो आप ऐसे आपके पास बहुत सारी पड़ी होगी लेकिन इस दिन आप अगर 11 रुपये की चने की दाल खरीद लेंगे तो आपको बहुत ही उसके लिए शुभ होगा। और आपको एक चीज़ पीला कपड़ा खरीद सकते हैं और किसी को फिर दान दे सकते हैं। आप सोना खरीद सकते हैं, सोने का कोई ताबीज़ खरीद सकते हैं, साबुत धनिया खरीद सकते हैं 5 रुपये का, तो वो भी बहुत शुभ होगा। आपको गुड़ खरीदना बहुत शुभ रहेगा, गुड़ खरीद के आप गाय को खिला दीजिए तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। गुरु ग्रह मजबूत होने से आपके जो भी कार्य बनते हुए बिगड़ जाते हैं तो वो प्रारंभ हो जाएंगे, बनने लगेंगे आपके कार्य। तो इस दिन आप गाय को रोटी में गुड़ खिला दीजिए और आप पीले चावल घर में बनाइए और लक्ष्मी जी को प्रसाद दीजिए। और तुलसी के पौधे में आप एक लोटे में कच्चा दो एक चम्मच कच्चा दूध और हल्दी मिला के आप उसमें जल दीजिए तो अभी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और माँ लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर में होगा, सदैव वास रहेगा लक्ष्मी जी का। इस दिन आप सोना अगर नहीं खरीद सकते, सोना अगर खरीद सकते हैं सोना खरीदिए, और अगर आप पीतल की भी कोई बर्तन खरीद सकते हैं और फिर किसी को दान दे दीजिए तो ये भी बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। थोड़ी 11 रुपये की हल्दी खरीद सकते हैं, इससे भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। आप और पीली चीज़ और भी कई चीज़ें होती हैं जो आप खरीद सकते हैं, इससे गुरु ग्रह मजबूत होंगे और विवाह के योग बनने लगेंगे। ये उपाय बहुत ही आसान है और आप इनको अवश्य करिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है और इनके रिजल्ट भी 100% आएंगे और शीघ्र ही जो भी विवाह शादी में अड़चन है वो दूर हो जाएगी। और इस दिन आप कुछ धार्मिक ग्रंथ पुस्तकें भी खरीद सकते हैं और उन्हें किसी को दान दे दें तो भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। तो ये थे कुछ गुरु ग्रह को मजबूत करने के आसान उपाय, तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और अच्छे लगे। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब अवश्य करें।